नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएशन इन पॉपुलेशन. ह्यूमन बींग एज अ स्पीशीज शेयर मैनी मेन करेक्टर और ट्रेट्स अमंग देमसेल्फ विच आइडेंटिफाई द स्पीशीज होमोसेपियंस. येट द वेरियस रेसेज ऑफ ट्राइब्स लुक डिफरेंट इन सेवरल फीचर. इवन विद इन द सेम रेस और ट्राइब द इंडिविजुअल नंबर इज द पॉपुलेशन सो डिफरेंसेज. फर्दर विद इन अ फैमिली मेम्बर शो डिफरेंसेज इन बॉडी फीचर्स. दीज स्मॉल डिफरेंसेज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन. तो वेरिएशन माने होता है चेंजेस. कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं दिख सकते, ट्विंस को छोड़कर बाकी सभी दो लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं. कुछ करेक्टर मदर के और कुछ करेक्टर फादर के आते हैं. द सेम इज़ ट्रू फॉर एनिमल्स ऑल्सो. वी कीप पैट्स लाइक डॉग और कैट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ और बफेलो. There are so many breeds of each one of them, and even in the same breed there are minor differences and variations among individuals. Now I am talking about character and traits. An inheritable feature of an organism is a character. The alternative form of a character are called traits. Now I am talking about inheritance in humans. We inherit thousands of characters from our parents, father and mother, who is in turn had inherited them from their parents. Thus the family members, brothers, sisters, cousins tend to resemble one another. तो characters जो हैं वो parents के next generation में shift हो सकते हैं, inherit हो सकते हैं. For example, color of eye के दो trait हो सकते हैं, brown और blue. Hair shape curly और straight. Eyebrows heavy, bushy और thin. Hair on the middle joint of fingers, growth or no growth. Color vision normal or red green color, blindness. Tongue rolling, rolling of tongue in U shape when extended to out from the mouth or no rolling. Hand use, right handedness or left handedness. कुछ लोग right hand से लिखते हैं, कुछ left hand से लिखते हैं. Skin color, albinism का मतलब होता है total absence of pigment in skin. Skin पे melanin pigment हो ही नहीं. और normal light or dark pigment. ईयर लोब फ्री हो, किसी के फ्री ईयर लोब होते हैं, किसी के अटैच्ड होते हैं. लिप्स किसी के थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं. आर एच ब्लड ग्रुप की बात करें तो किसी का आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और किसी का आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स, द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी. तो क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल व्हेन अ सेल न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड. फोटोग्राफ ऑफ डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस कैन बी टेकन थ्रू अ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप. These photographs are used for artificially arranging the chromosome according to their size and shape on a chart. This is known as karyotype. Now I'm talking about chromosome number. Chromosome number is constant for the individual of a species, and each body cell of that species has the same chromosome number. तो दुनिया में कोई भी स्पीशीज हो उसका क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है. जैसे ह्यूमन इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, सभी ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी हर सेल में. केवल स्पर्म और एग में हैप्लॉयड यानी सिंगल क्रोमोसोम नंबर होता है 23 प्लस 23. दोनों मिलेंगे तो फिर से नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड बनेगा उसमें 23 पेयर हो जाएंगे. तो एस्कैरिस हैव 2 क्रोमोसोम. अनियन हैव 16. अनियन यानी कि एलियम सेपा में 16 क्रोमोसोम होते हैं. मेज मीन्स जिया मेज, जिसका बॉटनिकल नेम जिया मेज है, उसमें 20 क्रोमोसोम्स होते हैं. लायन में 38, टाइगर हैव 38, डोमेस्टिक कैट हैव 38, माउस हैज 40. कुछ इंसेक्ट्स में मोर देन 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं. ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर्स. गोरिल्ला 48 होता है उसमें. पोटैटो 48. मंकी हैव 54. डॉग हैव 78. चिकन हैव 78 एंड क्रेफिश हैव 200 क्रोमोसोम्स. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम इन होमोलोगस पेयर. इन ईच ऑर्गेनिम द क्रोमोसोम अकर इन इवन नंबर देयर इज सो बिकॉज दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स. दस इन ह्यूमन्स द 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन 23 पेयर्स. The two chromosome of each pair are similar in shape and size and are derived as one each from the two parents. These identical chromosome pair are called homologous chromosomes. So what is homologous chromosomes? A pair of corresponding chromosome of the same shape and size are obtained from each parent.
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम. मैंने आपको पहले बताया था हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम होते हैं जो सभी एक्स एक्स होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये बॉडी बनाते हैं. जबकि जो 23rd वाला पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है. जब फीमेल का एक्स मेल के एक्स से मिलता है तो डॉटर होती है, और वाई से मिलता है तो सन हो जाता है. क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 to 22 हैज आइडेंटिकल क्रोमोसोम एंड दीज आर कैटेगराइज एज ऑटोसोम, बट द 23rd पेयर इज डिफरेंट एंड इट्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम विच आर डेजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई. द एक्स एक्स पेयर विद सिमिलर पार्टनर इज फाउंड इन फीमेल्स, वेयर एज द एक्स वाई पेयर विद द डिसिमिलर पेरेंट इज फाउंड इन मेल्स. द वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल इज मच स्मॉलर देन द एक्स क्रोमोसोम. So, autosomes are the kind of chromosome which determine general body features like complexion, height, seed color, etc. Human has 22 pairs of autosomes, while sex chromosome, also called as allosomes, are the kind of chromosome that determine the sex of an organism. Every human has only one pair of sex chromosome. Now, I am talking about sex determination. Son or daughter? The sex of a child depend upon the kind of sperm that fertilize the egg. The egg contains only one X chromosome, but half of the sperm released into the genital tract of the female during coitus or mating or intercourse are X bearing and the remaining half are Y bearing. It is simply a matter of chance as to which type of sperm fuse with the ovum. If the egg X is fused by X-bearing sperm, the resulting combination is XX, that is female constitution, and the child produced is a female, that is daughter. And if the egg X is fused with Y-bearing sperm, the resulting combination is XY, that is male constitution, and the child produced is a male, that is son. So now I'm talking about chromosome carrier of genes. All species have a fixed number of chromosomes. However, the characteristic of a species, including physical appearance, body function, behavior, etc., are not simply the outcome of chromosome number, but these are the result of the units called genes, which the chromosome carry. The lion and the cat have the same number of chromosome, 38, yet one is distinct from the other in body size, appearance, color, behavior, etc. All such characteristic of an organism are the result of genes located on the chromosome. The word gene was coined by Wilhelm Johannessen in 1909 to simply describe what parent passed to their offspring. The detailed DNA structure came to knowledge much later. Now I'm talking about gene and genome. Gene are the specific part of DNA segment of a chromosome which determine the hereditary characters. According to the latest finding, there are nearly 19,000 genes in humans. Chromosome number 1 has the largest number of genes, that is 2,968, and chromosome Y have the fewest, that is 231. तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, वो होते हैं 2968, और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन होते हैं, दैट इज़ 231. जीनोम क्या होता है? जीनोम इज़ द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ जीन उसका जीनोम कहलाता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएशन इन पॉपुलेशन. Human beings as a species share many main character or traits among themselves.